मेरी गुरु माता की तरह कोई नहीं है, उसने मुझे सिखाया है, आज मैं बैठा हूँ उसी की दया पर बैठा हूँ। मैंने अपने मन की बात कह दी, रुका नहीं, मैंने कहा नहीं मेरी गंदगी है, पूरी बात बता दी। माता जी की थोड़ी आँखें इधर उधर हुई, नहीं थोड़ा मैं समझ गया उनका भाव। जब मैंने पूरी बात कह दी मैं भी चुप हो गया, वो शांत चुप छा। कुछ समय बाद उन्होंने आँखें खोली, मुस्कुराई, कोई बात नहीं आनंद कुमार, मुझे अच्छा लगा कि तुमने सारी बात बता दी, तुम्हें क्रोध नहीं आना गुरु के प्रति, नहीं मेरे प्रति। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, थप्पड़ भी मार सकती हूँ जरूरत पड़ने पर। तुम्हारी माँ ने कई बार थप्पड़ मारा होगा, मैं तो गुरु माँ हूँ। मैं रोने लगा, इतना प्यार करते, ऐसा नहीं था। हाँ बात में कुछ एक ही लाइन ऐसी थी, यानी हमारे उनके ज़िंदगी के बीच वो मुझे स्वीकार नहीं थी, उसीलिए हमारा उसी शब्द ने, लाइन का मतलब उसी शब्द ने हम दोनों अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं था। तो और वो संत थे हमारे गौतम बुद्ध जी के शिष्य, जो मेरा नाम वो उनका भी नाम आनंद। मेरे जब पता लगा तो आंसू निकल आए, मैंने कहा प्रभु, यानी गौतम बुद्ध जी की दया थी, मैंने कहा प्रभु इन सन्यासी जी का नाम भी आनंद और मैं भी एक गुरु का शिष्य आनंद हूँ। प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं भी श्रेष्ठ बनूँ। और थोड़ा मुस्कुराए, कहा कुछ अदृश्य हो गया। यानी उन्होंने भी मुझे कई बार मार्गदर्शन किया और मैंने पूछा, वो उत्तर देते तो उन्होंने कहा था ठीक है, जब ज्ञान के विषय में पूछोगे बताऊँगा। फिर मैंने काफ़ी समय बाद फिर मैंने उनसे ज्ञान लेना बंद कर दिया, ज़रूरत नहीं समझी, अन्य से ज़रूरत समझी। तो आप कुछ कह रही थी, मैं इधर भावुक होकर के इधर की बात करने लगा। बस वैसे कोई कुछ मेरे लिए बुरा बोलता है तो वो सहन कर सकती हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसा हो जाता है कि वो कमी लगती है। तो आपको स्वयं को धैर्य धारण करना होगा, धैर्य धारण करना होगा, इसकी आदत डालनी होगी और निंदा सुननी होगी। एक बात बताऊँ, निंदा सुनने में बड़ा आनंद है। आप ये सोच लो, अगर आपको साधना में कोई अवरोध आ रहा है, अच्छा नुस्खा है कि आप निंदा सुन लीजिए, मगर उसके जो निंदा किया उसको कुछ उत्तर मत दीजिए। उत्तर यानी मन से भी कुछ मत कहो, बस सुन लो, शांत हो जाओ और बाद में कहो प्रभु इस व्यक्ति ने देखो मेरे पे कितनी अच्छी कृपा की है, इसने मेरी गंदगी को धो दिया, अर्थात गंदगी या कमी को बता दिया। किसी के कमी को बताना एक अच्छी बात, किसी ने हमारी कमी को बताया, हमें कायदे से क्रोध नहीं आना चाहिए, वो मेरी कमियां बता रहा है, इसका मतलब ये शुभचिंतक है, भले ही दूसरे रूप में हो, नहीं कहते तेरे में ये कमी, भले ही गुस्से में कह रहा हूँ लेकिन बता ही दो। ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद मन के अंदर ले, मन के अंदर कहो धन्यवाद, आपने मुझे अपनी कमी का भान कराया, हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा ना कहने का अवसर मिले। ठीक है, मैंने बहुत अलग ढंग से साधना की, ऐसा किया है। वो आपने एक कानपुर में भी कुछ अलग क्वेश्चन पूछा था, आपने वो समझाया था मुझे, उसके बाद बहुत ही मुझे हेल्प हुई उससे कि वो अपना कर्म कर रहा है, मुझे उसके लिए कुछ नहीं सोचना है, कुछ रिएक्शन भी नहीं लाए, उससे बहुत मुझे फ़ायदा मिला, वो चीज़ मैंने अपनाई और बहुत फ़ायदा लगा मुझे उससे। ठीक है, अब माइक आगे कोई और जाना चाहिए। प्रणाम। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.